ओके फॉक्स, मैं यहाँ पर आया हूँ. क्या नाम है? वाओ, व्हाट इज़ दैट. तो यहाँ पर मैं ये रेस्टोरेंट इक्विपमेंट्स की मार्केट पे आया हूँ. मैंने कहा देखा जाए कि क्या हिसाब किताब है यहाँ पर. ये इन्होंने ज़बरदस्त किस्म के ये बनाए हैं. मैंने कहा कि ये भी दिखाता चलूँ लगे हाथों. ये पार्किंग लॉट में बनाया हुआ है. चाइनीज़ में लिखा है. अगर कोई ये करेक्टर्स हैं तो आई डोंट नो मच अबाउट इट. सभी कुछ लगा दिए है, टायर वायर सब लगा दिए हैं. दे नो हाउ टू मेक थिंग्स. ये गालबन लेडी होगी. Tell much how I figured she's a lady or gents. ये देखें, these are giant, huge. तो मैं ये जहाँ तो मैं मार्केट में रहा था, ये एक बहुत बड़ा प्लाजा है. यहाँ भी मैं बाद में जाऊँगा क्योंकि रात में आया था सिर्फ अपना टाइम सेव करने के लिए कि मुझे ढूँढने में. और कल वाकई टाइम लगा तकरीबन घंटा मैं इधर उधर चलता रहा. तो उसके बाद मुझे ये मार्केट मिली क्योंकि लोग गाइड भी से, क्योंकि इंग्लिश ना होने की वजह से लोग गाइड भी सही तरीके से नहीं कर पाते. मैं जिसको भी दिखाऊं टैक्सी, आई मीन आई हैव टू टेक टैक्सी एंड गिव दिस एड्रेस टू द टैक्सी गाय. जबकि इट वाज ऑन द वॉकिंग. अब ये देखें लेफ्ट साइड, इस तरह की यहाँ पर ये बड़ी बड़ी मार्केटें हैं. अब आई डोंट नो कि ये लेफ्ट साइड पे आगे मैं जाऊँगा तो शायद मुझे पता लगेगा. ये राइट साइड पे मेरे जो है, अगर कोई रेस्टोरेंट इक्विपमेंट्स में काम करना चाहता है तो उसके लिए ये मार्केट है. यांगयू करके ह्यूज मार्केट, ह्यूज फॉर हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बिग ह्यूज मार्केट. इवन गूगल में ये लिखा हुआ था कि कम विद द वॉकिंग शूज, नॉट बी इन अ ड्रेस शूज और एनीथिंग लाइक दैट. तो मैं एक तरफ से शुरू होऊंगा. माई गॉड, लुक एट दैट. आई स्पेंड 30-35 ईयर्स इन रेस्टोरेंट लाइन बट सम ऑफ द इक्विपमेंट्स आई कैन टेल. ये सारे थ्री कंपार्टमेंट सिंक्स हैं जो सिटी ऑफ शिकागो और सिटी ऑफ टोरंटो की रिक्वायरमेंट है. यू हैव टू हैव वन टू वॉश, वन टू रिंस, वन टू सैनिटाइज. ये वॉक्स हैं. मैंने $200 में ये वॉक उठा के बेच दिया था. एक रेस्टोरेंट था उसमें ये लगे हुए थे पहले से. दीज आर आवर वार्म टेबल लुक लाइक, जिसके नीचे यह इलेक्ट्रिक के वार्म टेबल हैं. लेकिन एक ढक्कन ही उठाया उससे अंदाज़ा हो गया है कि चादर कितनी हल्की है. ये 12 इंच का स्पाउट, किसी ज़माने में ये काफ़ी महंगा हुआ करता था. लेकिन चादर इनकी जो है ना, स्टील जो इस्तेमाल हुई है, बहुत ही हल्की किस्म की. वहाँ भी अब ऐसे ही होती होगी, आई डोंट नो. वहाँ पर सारे बर्नर्स वगैरह पड़े हुए थे. ये बेकरी से रिलेटेड, लेकिन ये बड़े सप्लायर हैं, बड़े सप्लायर जिन्हें कहते हैं. ये ह्यूज बर्नर्स हैं तीन,
वॉक्स का सामान ज़्यादा है। वाओ, टू डोर कम। आते हुए इसकी प्राइस पता करूँगा, इसका कंप्रेसर की तरह है, बहुत छोटी बनाई है, अंदर सामान रखने की जगह नहीं है। ओह माय गॉड, इट्स ह्यूज। ये पिज़्ज़ा ओवन है, लुक लाइक या पत्थर पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक लगता है ये। इट्स अ ह्यूज मार्केट मैन। अच्छा, रात में मैं आया था तो ये सामान सब ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो या तो इसकी बिल्डिंग की सिक्योरिटी होती होगी या Can I go inside with the camera? Can I go? Okay. ये सारे जो है ना, Hi, how are you? No, I'm just looking. दुनिया का स्टाइल ही इन्होंने चेंज कर दिया, डन बिजनेस का। दे चेंज एवरीथिंग। ऊपर सारे एप्रन वगैरह हैं, हर चीज़ इतनी क्वांटिटी में है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सही लिखा था गूगल में कि आपको वॉकिंग शूज़ पहन के आना चाहिए, आना पड़ेगा, यू हैव टू हैव वॉकिंग शूज़। इतना बड़ा सेटअप है कि आई कैंट इवन कवर, इसलिए बीच बीच में ही चल लो। अब इतने बड़े जंगल में मुझे एक नाइफ ख़रीदना था किसी की रिक्वायरमेंट के ऊपर, वो नाइफ जो है मैं मांगूंगा तो शायद हंसेंगे ये लोग। ओ वाओ, स्लाइसर, सारी उम्र हार्बर्ट के स्लाइसर यूज़ करते रहे।
फॉक्स ये है कहानी यहाँ की, सिगरेट खूब धड़ल्ले से चलती है काम की जगहों पे। मैं कल इस तरफ से आया था तो नाइफ वाला अभी तभी कोई नज़र नहीं आया है। जिन साहब को नाइफ़ चाहिए था वो देख लें कि मुझे नाइफ़ नज़र नहीं आ रहा है, अगर मैं मना करूं तो बुरा ना मनाइएगा। वो मेरा ख़्याल है आगे बड़ी मार्केट जो है, ओह माय गॉड इज सो ह्यूज, एवरीथिंग इज़ ह्यूज। कोई भी चीज़ छोटे में तो बात होगी नहीं ना। कंस्ट्रक्शन हो रही है, नया वेयर हाउस बन रहा है, यानी नया शोरूम बन रहा है। ब्लैक कप कॉफी टॉप चॉइस, ओह माय गॉड। ये आइसक्रीम का था लेफ्ट साइड पे, मेला माइन एंड पीसी प्रोडक्ट्स फैक्ट्री अल सना अल मेला माइन। वाओ, मेरा अलग छोटी गली पकड़ा जाए। एक आध की कीमतें तो पूछनी चाहिए, लेकिन आई डोंट नो होम शुड आई आस्क, लेट्स सी। वाला विंग देखते हैं, वहाँ छोटा सा मन होगा। देखो वीडियो कितनी हुई है, 12 मिनट की हुई है। ओह बॉय बॉय बॉय, ये होटलों की जो कुर्सियाँ होती हैं ये होटल टेक्सटाइल से रिलेटेड जो सामान चाहिए होता है, ये ग्रिडल है, ये जो सॉरी वाली कोई दुकान नजर नहीं आ रही है। होटल सप्लाईज, ओह माय गॉड लुक एट दैट, पूरा शहर है भाई, ये पूरा शहर। मैं बेहैरत हूँ, बड़े होलसेलर स्केर्ड में। हाय हाउ आर यू, सॉरी I just need to know the price for this, get the idea what's going on over here. This one? Mm-hmm. The price? Mm-hmm. This one, the electric one, this one is 2,800. What about the gas? If the gas is like this? Gas one is 3,500. 3,500. Yeah. Okay, I just want to check the price. 3,500. तो ये जो है
3,500 $700 कैनेडियन में यूज्ड मिलती है वहाँ पर. वहाँ भी ये $1,500-1,600 की होती है ब्रांड न्यू. यहाँ पर ये ब्रांड न्यू है. आई वॉज जस्ट गेटिंग एन आइडिया 3,500. तो इसको अगर वहाँ लेके जाएं तो अगर आप क्वांटिटी में नहीं मंगाते तो ये आपको इतना ही पड़ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन और ये सब मिला के. आई डोंट नो, मेरा ये गेस है, सो डोंट कोट मी ऑन दिस, आई एम जस्ट गेसिंग. ओह माय गॉड मैन, ओह मैन, ओह मैन. You name it, they got it. They have everything, everything. Yeah. Here they are, folks. Ha ha ha. तो ये है फोक्स, एक आइडिया करना था. अब वो सामने क्या है आई हैव नो आइडिया. उस तरफ जाना भी आसान नहीं है लेकिन मैं जाऊंगा. तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को बंद करता हूँ. लाइक ऑलवेज आई रिक्वेस्टेड, प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो. ब्रिज ब्रिज ब्रिज. ओके, बाय बाय.